السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولحم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد تمام كسمكي همدوسنا تعرف توصيف الله رب للزت كليه जिसने हम सबों को पैदा फ़रमाया और उसके बाद आखिरी नबी जनाब महमद रसूल वसल्लम पर दरूद मोहतरम सामीन और सामियात नाजरीन और नाजरात इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक वाली ने इस दुनिया में बहुत सारी नेमतों से हमें और आपको नवाजा है छोटी नेमतें, बड़ी नेमतें, अज़ीम नेमतें और अल्लाह तबारक वाली ने ख़ुद ही इरशाद फरमाया है कि अगर तुम हमारी नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व ताली ने बेपनाह नेमतों से हमें और आपको मालामाल कर दिया है चाहे हम किसी भी तरह से सोचें तो नेमतें ही नेमतें नज़र आती हैं बस इंसान को सोचने की ज़रूरत है लेकिन ये नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें और आप को दुनिया में अता की हैं क्या इनमें से कोई नेमत बाकी रहने वाली है चाहे वो माल की नेमत हो औलाद की नेमत हो मनसब की नेमत हो इज्जत की नेमत हो किसी भी चीज की नेमत, हो कोई चीज बाकी रहने वाली है जवाब यह होगा नहीं कोई भी नेमत बाकी रहने वाली नहीं यानी दुनिया की हर नेमत फानी है दुनिया की हर नेमत फना हो जाने वाली खत्म हो जाने वाली है यह वक्ती तौर से दी जाती है लेकिन वो नेमत जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं वो आखरत की नमतें हैं और ये है इसी चीज़ को अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूल वसल्लम ने अपनी एक नसीहत में इरशाद फरमाया है जिसके मुतालिक अब्दुल्ला बिन उमर रजील्लामुमा फरमाते हैं कि आप सला वम ने मेरे कंधों को पकड़ा और फरमाया फिर दुनिया का अन्न का गरीब उन ओ आबिरन नबी करीम सल्लासम की यह नसीहत इबन उमर रज़ी अल्लाह तहुम ने जिस तरह से समझा जिस तरह से लिया जिस तरह से अमल किया जिस तरह से हमें और आपको एक तरीका बतलाया है काश कि हम उस पर अमल करें यह नसीहत हमें यह बतला रही है कि दुनिया की हर नएफानी है कोई चीज़ बाकी रहने वाली नहीं है लिहाजा हम दुनिया की नेमत को मुस्तकिल समझ करके दायमी समझ करके हमेशा वाली समझ करके बैठ ना जाए उसको पकड़ करके बैठ ना जाए अल्लाह तबारक ने अभी शुरू में हमने सूरतहदीद की आयत नंबर बीस आपके सामने तिलावत की है अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत मुकद्दसा में फरमाया ए लमो इन नमल हयात दुनिया लबीना जान लो ये दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा और जीबो जीनत है दुनिया की जिंदगी के बारे में अल्लाह तबार व तआला खुद फरमा रहा है वो तफा बैनकुम एक दूसरे पर फख्र करना है इस दुनिया में एक दूसरे पर हम फख्र करते फिरते हैं वह तक फिल औलाद और दौलत में औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ना है हर शख्स ये चाहता है कि औलाद में माल में दौलत में हम एक दूसरे से आगे बढ़ जाएं, लेकिन अल्लाह तबारक व तै ने इसकी एक मिसाल दी है कि दुनिया में तफाखुर यानी सबकत करना एक दूसरे से एक दूसरे पर फख्र करना ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने दी है कमले गई थी आज बल कुफार न हो तबारक तआला ने इसकी मिसाल उस बारिश की से दी है कि जिससे उगने वाला पौधा काफिरों को खुश कर देता है जैसे बारिश होती है तो उससे जो पौधे निकलते हैं काफिर जो होते हैं जिनका ईमान कामिल नहीं होता है या जो ईमान ही नहीं लाते हैं जो मुनाफिक होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं फम यही जो फिर वो पौधा खुश्क हो जाता है मुस्फ, फतरा मुसफर्रन फिर वो ज़र्द हो जाता है खुश होने के बाद क्या हो जाता है जर्द हो जाता है फुम यकून हुतामा फिर वो रेजा रेज़ा हो जाता है बिल्कुल इसी तरह से ये मिसाल है कि ये नेमतें मिलेंगी और फिर ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तालम वफील आख़रत आदाबदीद काफिरों के लिए मुनाफिकों के लिए बुरे लोगों के लिए सख्त अजाब है वह मिन मिनल्ला वरिदवान और अच्छे लोगों के लिए अल्लाह तबार को तला ने फरमाया कि अल्लाह की मगफरत और उसकी खुशनुदी व ममल हया तो दुनिया इला मता और दुनिया की जिंदगी महज धोखे का सामान है ये दुनिया में जो जिंदगी ये दुनिया में जो सामान जुजेब जीनत जमालो दौलत इसके चक्कर में हम पढ़ करके आखरत की जिंदगी को हम भुला ना दें यह धोखे का सामान है और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला तुम्हारा से फरमाया था ए इब्ने उमर ए बिन उमर कुन फिद दुनिया का गरीब अन्य गरीबन ए इब्ने उमर इस दुनिया में अजनबी की तरह हो जाओ या एक मुसाफिर की तरह, हो जाओ।, तरह मुसाफिर हो जाओ इस तरह से एक मुसाफिर होता है आप कहेंगे ये मुसाफ ये अजनबी का मतलब क्या होता है नबी करीम अलैहि वसल्लम ने आप वसल्लम ने इब्ने उमर तआला अनुमा के लिए फरमाया कि अजनबी की तरह से हो जाओ आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स दुनिया की हर चीज़ हासिल करना चाहता है दुनिया का मनसब उसे चाहिए दौलत चाहिए औलाद चाहिए इज्जत चाहिए गाड़ी चाहिए घोड़ा चाहिए बंगला चाहिए कोठी ये सारी चीजें एक शख्स तलाश रहा उसके साथ हमें एक शख्स ऐसा है जो अल्लाह तबारक तआला की खुशनुदी तलाश रहा है जो अल्लाह तबारक तआला की रेजा तलाश रहा है जो जनाब मोहम्मद रसूल सन्नत पर अमल करना चाहता है क्या उस शख्स को लोग अजनबी नहीं समझेंगे जो दुनिया की दौलत के पीछे नहीं पड़ रहा है बंगला के पीछे नहीं पड़ रहा है नई नई गाड़ियों के पीछे नहीं पड़ रहा है बल्कि वो अपना दिल अपना दिमाग अपना वक्त अल्लाह ताला की रजा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इतबा में लगा रहा है वो कैसे होगा वो जाहिर सी बात है उसको और बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनका लोग मजाक भी उड़ाते हैं उसको छोड़ो वो तो हमेशा नमाज की बातें और जक़ात की बातें और इसकी बातें और उसकी बातों में लगा रहता ये वही लोग होंगे ये वही लोग होंगे जिनके बारे में अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक अजनबी अजनबी वही शख्स हो जाता है जो दुनिया के की दौलत को उसकी नेमतों को तलाशने में नहीं अल्लाह तबारक वाल को राजी करने के लिए कोशिश रहता है तो मालूम यह हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन कुफी दुनिया कान का गरीब दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक अजनबी कि अल्लाह तबारक वाल की रजा उसकी खुशनुदी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हितायात इन सारी चीज़ों को हासिल कर लो औ अबिर या एक राहगीर मुसाफिर राहगीर मुसाफिर का मतलब क्या हुआ राहगीर मुसाफिर का मतलब यह हुआ कि जैसे एक शख्स सफर कर रहा है मिसाल के तौर पर रियाज से मक्का का कोई सफर कर रहा है रास्ते में कहीं वो रुकता है पेट्रोल पंप है या मस्जिद है या होटल है या खाने के लिए रुकता है वहां पर बहुत सारी परेशानियां वो देखता है वो किस लिए रुका है वो शख्स अगर मस्जिद है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए रुका है चंद मिनट के लिए अब वो ये नहीं देखेगा कि इस मस्जिद में किस चीज़ का इंतज़ाम है किस चीज़ का इंतज़ाम नहीं है होटल में रुका है खाना खाने के लिए वो ये नहीं देखेगा किस चीज़ का इंतज़ाम सही है किस चीज़ का नहीं अपना काम निकालेगा वहाँ से चलता बनेगा किसी होटल में रात गुजारने के लिए रुक गया है वह वहाँ पर भी ये नहीं देखेगा कि इस होटल में किस चीज़ का इंतज़ाम है किस चीज़ का इंतज़ाम नहीं है वहाँ भी वो जानता है कि चंद घंटे हमें आराम करना है और उसके बाद यहाँ से हमें निकल जाना है तो इसको कहते हैं औ सबीलिन जिस तरह से एक राहगीर मुसाफिर होता है वो इंतज़ाम में नहीं लगता है उसको पता है मंजिल मकसूद कहाँ है मक्का है हमें मक्का जाना है यहाँ तो हमने खाना खाने के लिए खाना खाने के लिए हम रुके थे या पेट्रोल पंप पे तेल लेने के लिए हम रुके हैं या मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए रुके हैं या थोड़ा सुकून लेने के लिए रुके हैं हमें यहाँ रुकना नहीं हमारी आखिरी मंजिल कहाँ है मक्का है हमें मक्का पहुँच रहा है यहाँ के अहतमाम कैसे हैं कैसे नहीं उसमें वो नहीं पड़ता और आबिरिन जिस तरह से एक राहगीर मुसाफिर होता है नबी करीम वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में ऐसे ही रहो इस दुनिया से हमें कुछ लेना देना नहीं है इस दुनिया में हम आए ही हैं उस दुनिया को बनाने के लिए जो दुनिया कभी ख़त्म होने वाली नहीं है जो दुनिया कभी ख़त्म होने वाले नहीं मोहतरम सामीन कुरानी से हमें ये मालूम होता है कि ये दुनिया और दुनिया की तमाम नमत फ़ानी हैं दुनिया की तमाम नेमतें फातना हो जाने वाली हैं ये दुनिया की तमाम नेमतें आने जाने वाली हैं आएंगी जाएंगी ख़त्म हो जाएंगी रुकने वाली नहीं है कोई भी शख्स इसको मुस्तकिल समझ कर दिल ना लगा ले दिल लगा करके ना बैठ जाए इंसान को यहाँ पर अमल करने का हुक्म दिया गया है जिसकी जिसका जिसकी हकीकी जजा जिसकी हकीकी जजा कहाँ है आखरत में इसका बदला हमें कब मिलेगा आखरत में मिलेगा कोई कितनी भी लंबी उम्र पाले, कोई कितना भी बड़ा मनसब पाले, कोई कितनी भी ज़्यादा दौलत जमा कर ले यहाँ पर कोई चीज़ रुकने वाली नहीं है गोया ये दुनिया दारुल अमल है और आखरत जजा है ये दुनिया क्या है ये अमल है मतलब यहां पर हमें काम करना है उस दुनिया के लिए उस जिंदगी के लिए जो जिंदगी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है और इसका जजा हमें वहीं पर अल्लाह तबारक तआला मिलेगा अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको अता फरमाएगा इसीलिए इस दुनिया को आखरत की खेती का करार दिया गया है ये दुनिया क्या है यह आखरत की खेती है अल्लाह तबारक तआला ने सूरत शुरा में इरशाद फरमाया आयत नंबर बीस में मनकाना यूरीद वरथल आखिरत नजीर लहूफी हर थी ही जो आखरत की खेती का तालिब है जो कल के लिए तैयारी करना चाहता है जो कल के लिए कोशिश कर रहा है जो कल को कल की ज़िंदगी को बनाना चाहता है अल्लाह तबारक वाली फरमाए नजीद लहूफी हर थी हम उसमें इजाफा कर देंगे हम उसमें ज़्यादी कर देंगे हम उसके लिए रास्ते मैसर कर देंगे जो आखरत को बनाना चाहता है जो उस जिंदगी को बनाना चाहता है जो जिंदगी कभी वमन का ना यू हर वर्थ दुनिया नोते ही मिनहा और जो दुनिया की नेमतें चाहता है जो दुनिया में अपना मकाम और सिक्का जमाना उसमें से हम थोड़ा सा उसको दे देते अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है नोते ही मिनहा उस से हम यानी दुनिया जो हासिल करना चाहता है उसको भी हम देते हैं लेकिन उसमें से हम थोड़ा सा देते वो अमल हया हो फिलहाल आखिरत मिन नसीब लेकिन याद रखो आखरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं जो आखरत हासिल करना चाहता है अल्लाह तबार व तआला कह रहा है हम उसके लिए बढ़ाते चले जाते हैं जो दुनिया हासिल करना चाहता है कुछ हम उसको दे देते हैं लेकिन वो याद रखे आखरत में उसके लिए कोई चीज नहीं सारी चीजें उसका कोई हिस्सा नहीं लगेगा आखरत में जो दुनिया को हासिल करना चाहता है जो दुनिया में सारी चीजों को अपनाना चाहता है अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूल सल्लाह सल्लाह तबारक वाले ने मालो दौलत से महफूज कर दिया था मालो दौलत से महफूज क्योंकि नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताली ने दुनिया के मालो दौलत से बिल्कुल महफूज रखा था हज़रत क़ादा रजी अल्लाह तहों की हदीस आती है जिसमें वो रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ताला किसी बंदा से महब्बत फरमाता है जब अल्लाह ताली किसी बंदा से महब्बत फरमाता है तो दुनिया उसे दुनिया से महफूज रखता है जैसे तुम अपने बीमार को पानी से बचाते हो जैसे एक बीमार शख्स होता है ना उसको डॉक्टर कह देता है पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए हजरत कदाता रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला तसी शख्स से मोहब्बत फरमाता है तो उसे दुनिया से यूं महफूज रखता है जैसे तुम बीमार को पानी से बचाते हो बिल्कुल उसका दिल ही नहीं लगता दुनिया में वो दुनिया से बिल्कुल जैसे नाराज होता है उसके जहन में सिर्फ एक चीज होती है हमारी जिंदगी कितनी है कब है कैसे है हमें आखरत के लिए क्या तैयार ये सारी चीजें उसके जहनों दिमाग में होती मैं बतला ये रहा था कि दुनिया की हर नियमतानी है दुनिया की हर नेमत खत्म हो जाने वाली है दुनिया की हर नेमत आनी और ज, इसको आना और जाना है इसको रुकना नहीं है हम इस पर दिल लगा करके ना बैठ जाएं, इसको हम मजबूत करके इसी पर भरोसा करके ना बैठ जाएं। असल जिंदगी हमारी आखरत की जिंदगी है जामे तिर्मिजी में एक रवायत है जिसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप अलैहि वसल्लम एक चटाई पर तशरीफ फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर तशरीफ फरमाते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो आपके जिस्म मुबारक पर आपके जिस्म मुबारक पर निशानात थे अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपके जिस्म मुबारक को देखा और फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप मुझे हुक्म देते तो मैं आपके लिए नरम बिस्तर का इंतजाम कर देता जिस पर आप आराम फरमा लेते ये क्यों कहा अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ने चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर निशान लगे हुए थे वैसे चटाई पर आप लेट गए थे यह बात सुनकर नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक है अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं अगर आप मुझे हुक्म देते हैं तो मैं आपके लिए नर्म बिस्तर का इंतजाम कर देता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद मेरा तब दुनिया से क्या ताल्लुक है मेरा दुनिया से ताल्लुक सिर्फ इस कदर है जैसे कोई मुसाफिर राह चलते हुए किसी दरख के नीचे साया हासिल करे एक मुसाफिर जा रहा है उसको धूप लग रही है थोड़ा आराम करना चाहता कोई दरख्त रास्ते में पड़ा उस दरख्त के नीचे थोड़ा सा आराम किया सुस्ताया और उसके बाद फिर अपना राह ले लेता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा दुनिया से ताल्लुक ऐसे ही है हमें और आपको यह सोचना चाहिए कि इस दुनिया की हकीकत है क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से इसको वाजह करके बयान फरमा दिया और एक हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम कसम खा खाकर के आप अल्लाह की कसम दुनिया आखरत के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे एक शख्स समंदर में अपनी एक उंगली को डालता है जैसे कोई शख्स समंदर में अपनी उंगली को डाले और निकालकर फिर उंगली पर वो देखता है कि कितना पानी इसमें आया है कितना पानी इसमें लगा हुआ आप अंदाजा लगाए एक समंदर जिसमें अगर इंसान गिर जाए तो बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसमें एक शख्स अपनी उंगली को डाले और फिर निकाल करके देखे कितना पानी उस पर है। कितना पानी उस पर आया गया दुनिया की हकीकत यही है यही है दुनिया की हकीकत इसी तरह से शुरू में जो हदीस मैंने बयान की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबन उमर तआला तनम के लिए कन फ दुनिया का अन्य का गरीब उन और वह कि दुनिया में अजनबी बन करके रहो या मुसाफिर बन करके रहो इस जुमले को इस नसीहत को इस नसीहत को इबन उमर रजील्लामा ने जिस तरह से समझा है जिस तरह से अमल किया है जिस तरह से हमें और आपको अमल करने के लिए बतलाया है काश कि हम उस पर अमल कर लें दुनिया में लोग मसरूफ़ हैं घर के लिए कोठी के लिए जैसा कि मैंने शुरू में बतलाया और एक शख्स अल्लाह ताला की रजा के लिए जाहिर सी बात है वो अजनबी होगा दूसरा शख्स मुसाफिर है और रास्ते में कितनी भी परेशानियां आ जाएं इसको भी मैंने आपको बतलाया है वो उस पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसकी मंजिल मकसूद कुछ और है वहां पर वो पहुंचना चाहता है रास्ते की जो परेशानियां हैं उसको झेल लेता है इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि जिस तरह से इब्ने उमर बिन उमर अबर अन्हुमा ने नबी करीम नसीहत को समझाए इससे क्या नतीजा अख्ज किया और इब्ने उमर अन्हुमा क्या कहा करते थे काश कि हम उसको समझें उसकी गहराई में जाएं। इब्ने उमर तुम कहा करते थे फला जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करो ये वही हदीस है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुन फिर दुनिया का अन्न का गरीब औ आबिर सबील आ हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तलाम फरमाते हैं और हमेशा ये कहा करते थे इदा अम सईता फ़लातन तदरसा जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार मत करो वहीदा असबहता फ़लातन तदर फ़लातन और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करो मतलब क्या था मतलब ये था कि ये दुनिया बहुत मुख्तसर है अपनी तमन्नाओं को फैलाओ नहीं अपनी लालच को फैलाओ नहीं हो सकता है आज शाम हो गई है दिन गरूब हो गया सुबह का सूरज देखना नसीब ना हो लिहाजा अपनी तमन्नाओं को समेटो हमें गाड़ी चाहिए हमें घोड़ा चाहिए हमें बंगला चाहिए हमें कोठी चाहिए हमें ये चाहिए हमें इसको समेटो शाम हो गई है सुबह का इंतजार मत करो और अगर सुबह हो गई है तो शाम का इंतजार मत करो हो सकता है शाम हो गई सुबह देखना नसीब ना हो सुबह हो गई है हो सकता है शाम देखना नसीब ना हो हजरत इबन उमर तआला तुमा हमें और आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि अपनी तमन्नाओं को समेटिए इसलिए कि इंसान की तमन्नाएं कभी पूरी नहीं होती हैं ये मिल गया तो वो चाहिए वो मिल गया तो वो चाहिए वो मिल गया तो वो चाहिए इस तरह से इंसान की तमन्नाएं बढ़ती रहती हैं और इबन उमर तआला तुम्हा ने सराहत के साथ हमें और आपको यह बतला दिया कि हम अपनी तमन्नाओं को न बढ़ाएं बल्कि अपनी तमन्नाओं को समेटें चूंकि जिंदगी का कोई सहारा नहीं है जब भी मौत का वक्त आ गया अल्लाह तबारक वाले का फरिश्ता रूह कब्ज करने के लिए आ जाएगा दूसरी बात जो इबंने उमर रदी अल्लाह तला कहा करते थे वह खुद मिन सेहतिक सेहत और तंदुरुस्ती जो अल्लाह तबारक वाली ने अता की है इसको बीमारी से पहले गनीमत समझो मतलब क्या है तंदुरुस्ती बीमारी के दिनों के लिए तंदुरुस्ती में बीमारी के दिनों के लिए ज़्यादा राह तैयार कर लो मतलब क्या है अभी रोज़ा रख लो नमाज पढ़ लो खिदमत खल कर लो क्योंकि अभी तंदुरुस्त हो चल सकते हो मस्जिद सक, मस्जिद तक जा सकते हो सारा काम कर सकते हो जब बीमारी आ जाएगी तो यही चीज़ आपके दरमियान और मस्जिद के दरमियान आड़ बन जाएगी आप मस्जिद तक नहीं पहुंच सकते बीमारी आ जाएगी आप कोई नेक काम नहीं कर सकते आप कहीं तक नहीं जा सकते किसी की इयादत नहीं कर सकते किसी की देखभाल नहीं कर सकते मालूम ये हुआ कि हमें क्या करना चाहिए ये तंदुरुस्ती जो अल्लाह तबारक वाली ने अता की है इसको हमें गनीमत समझना चाहिए इससे पहले कि हमारे और नेकमाल के दरमियान ये बीमारी आड़ बन जाए हम मस्जिद तक नहीं जा पाएंगे हम कोई काम करना चाहेंगे वहाँ पर नहीं हो सकता है हम किसी मजलिस में बैठ करके दर्श देना चाहेंगे दर्श सुनना चाहेंगे तो बीमारी हमारी ऐसी होगी कि हम नहीं कर पाए लिहाजा हम इस तंदुरुस्ती को गनीमत समझें इस तंदुरुस्ती को इस सेहत को हमें गनीमत समझना चाहिए और इसी तरह से आखिरी चीज़ इबन उमर अल्लाह कहा करते थे वमिन ले मौत एक और जिंदगी में मौत की तैयारी कर लो ये जिंदगी जो अल्लाह ताला ने अता की है हम जितने भी साल के हैं बीस साल के हैं पचास साल के हैं साठ साल के हैं अगर जिंदा हैं तो इसको हम गनीमत समझें और मौत की तैयारी कर लें मौत की तैयारी का मतलब यह है कि आखरत की तैयारी कर लें वलियमजुर्नबमत लेत हर शख्स ये सोचे कि हमने कल के लिए क्या भेजा है हमने कल के लिए क्या तैयारी की है हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सोच ही रहे हैं कि कल करेंगे परसों करेंगे और कल कल करते करते मौत का फरिश्ता आ गया हमारे आमाले सालिहा और हमारे दरमियान में मौत आकर वाक ना हो जाए जिस वक्त रजिस्टर बंद हो जाता है जिस वक्त कोई काम नहीं हो पाता जो कुछ हमने भलाई और बुराई की है उसी के हिसाब से हमें जजा या सजा मिलेगी लिहाजा ये जिंदगी जो भी अल्लाह ताला ने हमें अता की है हम जिस भी उम्र में हैं, अगर कोई जवान है तो यह ना समझे कि हम बुढ़ापे में मरेंगे अगर कोई तंदुरुस्त है तो यह ना सोचे कि हम मरीज होकर के मरेंगे अगर कोई घर में बैठा है तो ये ना सोचे कि हम मुसाफिर होंगे या रास्ते में जब कहीं जाएंगे तब हम मरेंगे ऐसा कुछ नहीं अगर आप खाते पीते घर के हैं तो ये ना समझें कि हमारे घर में जब फाका होने लगेगा तब हम मरेंगे ऐसा कुछ नहीं है अल्लाह तबारक वाल जिस वक्त भी मौत का वक्त आ जाएगा अल्लाह ताला का फरिश्ता मौत रूह कब्ज करने के लिए पहुंच जाएगा मालूम यह हुआ खुलासा ये है कि दुनिया की कोई भी नेमत हो चाहे माल हो दौलत हो शोहरत हो मनसब हो बंगला हो कोठी हो गाड़ी हो घोड़ा हो ये सब के सब फानी है। दुनिया की नेमत आने जाने वाली और फना हो जाने वाली इसलिए हमेशा हम याद रखें जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर दुनिया का अन्न का गरीब दुनिया में एक अजनबी बनकर के आबिर सबीलिन या राहगीर मुसाफिर इस तरह से हमारी जिंदगी खत्म होनी चाहिए और इसी पर हमें अमल करना चाहिए खुलासा यह है कि दुनिया की हर नेमत फना हो जाने वाली है खत्म हो जाने वाली है दुनिया अमल है दुनिया अमल है दारुल जजा आखरत है नबी वसल्लम की नसीहत को जिस तरह से रज़ी अल्लाह तआला तुमने ने है अमल किया है अमल करने के लिए बतलाया है अल्लाह इज़्ज़त हम सब को उस पर अमल करने की तोफ़ी कत फ़रमाए इलामीन हमारे दिलों में दुनिया से ज्यादा आख़रत की मोहब्बत को बिठा दे इलामीन हमें ज्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तोफ़ी कतः फरमा इलामीन हमें अपने प्यारे रसूल जनाब महमद रसूल सल असलम की सुनतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी कता फ़रमा वावाना वा अनिल العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته